फाइनली मथुरा के स्टेशन पे उतर चुके हैं भाई लोग। अब हमने देखना है कोई होटल सस्ता या ठीक से जिसमें वाईफाई हो, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उतरने में स्ट्रगल करना पड़ा। दोस्तों हम रुके हुए हैं होटल महाराणा पैलेस में, और इस होटल के रेट मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मैं तीन चार जगह पे गया जिसमें एक होटल है कृष्णा पैलेस, उसमें मैं पहले भी रुक चुका था, लेकिन उन्होंने रेट इतने ज़्यादा मांग लिए कि मन ही नहीं किया उधर जाने का। और इनके आपको मैं अंदर से रूम दिखा दूँगा। यहाँ पे 1400-1500, और ये होटल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आके पता किया तो हमें काफ़ी सही रेट लगा, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो के लास्ट में हमें रूम कितने में मिला। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें जो रूम मिला है वो कैसा है, और ये बजट में। निकाल कुछ ये एसी रूम मिला हुआ भैया इस होटल में, और नॉन एसी यहाँ पे बहुत ही कम रूम है, अच्छा खासा बेड है। और मैं जो मेन चीज़ मैं किसी भी होटल में आते टाइम देखता हूँ वो होता है यहाँ का बाथरूम। बाथरूम साफ सुथरा होना चाहिए तभी आपको होटल लेने का फ़ायदा है, नहीं तो आप धर्मशाला में जा सकते हैं जहाँ पे कम सफाई है। ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ में आया हुआ है। तो जैसे ही हम पुराने होटल में जिसमें पहले रुकता था कृष्णा पैलेस में, उसमें गया तो वो पूछ रहे हैं भाई तुम दोनों क्यों आए, बाकी लोग कहाँ हैं, बच्चे की मम्मी कहाँ है, उल्टे सीधे सवाल, पता नहीं दिमाग में क्या क्या डाउट आता है। चलो वो हमारे होटल के साथ में ही खाने के लिए एक रेस्टोरेंट है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अग्रवाल फैमिली ढाबा। और ये हमारा होटल, जैसे मैंने पहले बताया होटल महाराणा पैलेस। जगह है ये भाई सौ गड्ढा के नाम से है, और नियर बस स्टेट बैंक है चौराहा, बस स्टेट बैंक नहीं स्टेट बैंक है यहाँ पे, पंजाब नेशनल बैंक भी है साथ में। और मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है, ये इनका मेन्यू कार्ड है, आपको भी दिखा देते हैं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कुछ कमेंट करते हैं तो वीडियो जो है ना रैंक में आती है, सर्चिंग में आती है, और उससे चैनल को फ़ायदा होता है। हर क्रिएटर ये चाहता है कि उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे। अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो सब कुछ खर्चा अपने पास से करना पड़ रहा है। और अगर आप लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ट्रैवलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कुछ कमेंट करते हैं तो वीडियो जो है ना रैंक में आती है, सर्चिंग में आती है, और उससे चैनल को फ़ायदा होता है। हर क्रिएटर ये चाहता है कि उसकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे। अभी मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, तो सब कुछ खर्चा अपने पास से करना पड़ रहा है। और अगर आप लाइक कमेंट या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ट्रैवलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आज पहली बार मथुरा आया हूँ, मेरे डैडी पहले भी आ चुके हैं, और हम कल को वृंदावन निकलेंगे, तो आप कल देख लेना गाइस, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर होंगे कृष्ण जी के और राधा जी के, तो आप मंदिरों को देखना, टेस्ट कर लेना कि हम कौन कौन से लोग मंदिर में जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज की सुबह कुछ खास है क्योंकि हम इस टाइम सुबह 6 बजे हैं मथुरा में, और यहाँ की सुबह कुछ अलग है, तो हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े हैं। वैसे लेट सोए थे काफ़ी, रात 1 बज गया था, और खाना भी लेट ही हुआ था क्योंकि 11:30-12 बजे खाना खाया था हमने, और 1 बज गया था सोने में,
और अब ये मैं शूट अपने फ़ोन से ही कर रहा हूँ क्योंकि हमारे GoPro को पता नहीं क्या हुआ, बैटरी अचानक डाउन हो गई उसकी, शायद मेरे को उसको ऑफ करना याद नहीं रहा, लेकिन मैंने किया था मुझे याद है, लेकिन कई बार ये अपना आप ही ऑन हो जाता है, ये मोबाइल से कनेक्ट रहता है तो, और उसके बाद ये सारी बैटरी कंज्यूम कर देता है। और यहाँ की बहुत ही प्यारी सुबह है, ये कोई आम सुबह नहीं है। अग्रवाल फैमिली रेस्टोरेंट का खाना तो डिलीशियस है ही, बहुत टेस्टी है, साथ में इनका जो व्यवहार है हर्ष बंसल जी का, वो आपको आपका दिल जीत लेगा बिल्कुल।